ग्वालियर के यादव धर्मकांटा के पास एक गोदाम से खाद्य विभाग ने बड़ी मात्रा में पीडीएस का चावल पैकिंग होते हुए पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान विभाग को गोदाम से सरकारी सील लगे प्लास्टिक बैग भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस गोदाम में सरकारी चावल की कालाबाजारी की जा रही थी। एसडीएम अनुराग चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि हजारी क्षेत्र में यादव धर्मकांटे के पास एक गोदाम में बड़ी मात्रा में सरकारी चावल की गुपचुप तरीके से पैकिंग की जा रही है। ये कलेक्टर महोदय को सूचना मिली थी कि यहाँ पर यादव धर्मकांटे के पास में एक गोडाउन में शासकीय जो अपना स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन का जो चावल है शासकीय जो वो एक गोडाउन में रखा हुआ है और उसकी बोरियों को खोल के और चावल को दोबारा से छोटे छोटे नए पैकों में जो है पैक किया जा रहा है। तो हम मौके पर आए थे, पर यहाँ ताला लगा था तो यही गोडाउन के जो मालिक हैं उनसे ताला तोड़वाया और देखा तो अंदर बहुत सारे बड़ी संख्या में बोरे रखे हुए हैं, सरकारी खाली बोरे भी रखे हुए हैं, सील लगे हुए कॉर्पोरेशन अपने। दरअसल ये गोदाम एमएस फूड नामक संस्था का है। गोदाम मालिक ने जो दस्तावेज विभाग को दिखाए हैं उसमें एक एग्रीमेंट है जो शरद जोशी के साथ किया गया बताया जा रहा है, लेकिन किराया नामा नहीं होने से गोदाम में हो रहा कामकाज सवालों के घेरे में है। ग्वालियर से न्यूज के लिए रविंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।